हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ निवेदिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थोड़ा सा कुकिंग एंड थोड़ा सा टीचिंग। मैं आज बालूशाही बनाऊंगी। बहुत से लेडीज़ की शिकायत होती है कि मैं बालूशाही तो बनाती हूँ लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होती, या तो फिर जूसी नहीं होती, या फिर क्रिस्पी तो होती है लेकिन जूसी नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है, क्या करने से ऐसे नहीं होगा, ये मैं आपको आगे रेसिपी में बताऊँगी। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप बना लेंगे। मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाली है। जितनी हम चीनी डालेंगे उसका हाफ क्वांटिटी हमें वाटर यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास ऐसा मेजरिंग कप नहीं है तो आप स्टील के कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी डाली है तो आप 1.5 कटोरी चीनी यहाँ पर ले लीजिए। इन दोनों की क्वांटिटी सेम ही है, 1 कप = 1 कटोरी, लेकिन आगे की क्वांटिटी आपको फिर कटोरी से ही मेज़र करनी पड़ेगी। चीनी को मैं अच्छे से मेल्ट कर लूँगी। बीच बीच में चम्मच चलाते रहिए वरना ये चीनी कैरमलाइज हो जाएगी। हमें यहाँ पे जो सिरप बनाना है वो गाढ़ा बनाना है, मतलब कोई ऐसा एक तार का सिरप हमें नहीं बनाना। सिर्फ आप उंगलियों से चेक करके देख सकते हैं अगर ये उंगलियों को चिपक रहा है, या तो फिर चम्मच से आप इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल के देख सकते हैं। अगर बूंद रुक रुक के गिर रही है इसका मतलब आपका सिरप रेडी है। 3-4 मिनट के बाद चीनी अब अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखी है। अब मैं इसे चेक करके देख लेती हूँ, ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर तो रही है, उंगलियों को मेरी ये अभी चिपक रही है, इसका मतलब सिरप रेडी हो चुका है। गैस की फ्लेम मैं अभी बंद कर देती हूँ। अब मैं इसमें 2-3 बूंद नींबू के डालूंगी। मुझे इसे 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रखना है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि चीनी बालूशाही के ऊपर क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अब मैं बालूशाही के लिए आटा लगा लूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप पानी, ये नॉर्मल पानी है, 1/4 कप घी और 1 चम्मच दही। यहाँ पे मैंने जो घी इस्तेमाल किया था वो मेल्टेड घी है, जमा हुआ घी नहीं था। अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1.5 कप मैदा। अगर आपने कटोरी के हिसाब से मेजरमेंट लिया है तो आपको 1.5 कटोरी मैदा यहाँ पे यूज़ करनी है। 1 चुटकी नमक डाल रही हूँ और 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ। हमें इसका आटा लगाना है, मतलब सिर्फ इन चीज़ों को हमें समेटना है। ये जो मैदा दिख रहा है उसे छुपा देना है। वैसे तो बालूशाही बनाने के सारे राज इस आटा लगाने के प्रोसेस में ही हैं। अगर आपने ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगा लिया तो बालूशाही आपकी मेदू वड़ा जैसे दिखेगी, जैसे कि मैं अभी ऊपर दिखा रही हूँ। वो ऊपर से क्रिस्पी तो दिखेगी लेकिन उसके अंदर लेयर नहीं बनेंगे, और लेयर ना होने की वजह से अपने अंदर सिरप सोख नहीं कर पाएगा। और अगर आपने आटा ज़्यादा सख्त लगा लिया तो आपकी बालूशाही भी हार्ड बनेगी, मतलब वो ऊपर से क्रिस्पी तो दिखेगी जैसे मैं ऊपर दिखा रही हूँ लेकिन अंदर से बिल्कुल भी जूसी नहीं बनेगी। बस मैंने अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से समेट लिया है। इसे मैं अब ढककर 5 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। 5 मिनट बाद इस आटे को हाथ में लेकर मैं तोड़ते जाऊँगी, फिर एक के ऊपर एक रखते जाऊँगी। आपको यहाँ पे कुछ ऐसे धागे धागे सा रेशे रेशे कुछ दिख रहा होगा, तो हाँ बस यही स्टेप हमारी बालूशाही के लिए अंदर के साइड में लेयर बनाने का काम करेगी। अब यही प्रोसेस सेम प्रोसेस मैं 3-4 मिनट के लिए कर लेती हूँ। अब इस आटे को मैं बेलन के सहायता से लंबा लंबा बेल लूँगी, फिर बीच में से कट कर देती हूँ, फिर एक के ऊपर एक रख के फिर से बेल लेती हूँ। सेम प्रोसेस अब मैं 5-6 बार करूँगी। ये स्टेप करना ज़रूरी है, आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आखिरी बार इसे बेलकर 4 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। एक हिस्से को मैं हल्के हाथ से रोल कर लेती हूँ। जितने साइज़ के आपको बालूशाही बनानी है उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। अगर बालूशाही का आउटर लेयर स्मूथ नहीं रहा तो बालूशाही कुछ इस तरह से बनेगी, जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ। ऐसे ही सारे गोले मैंने यहाँ पे बना लिए हैं। अब एक को हाथ में लेकर मैं इसे रोल कर लेती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से इसे रोल करना है। आप देख सकते हैं ये जो बाहर की लेयर है वो मैंने ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाई है, इसके ऊपर कुछ धागे धागे सा दिखना चाहिए। अब मैं इसमें अब होल कर देती हूँ।
शुरुआत में होल थोड़ा बड़ा कीजिए, ये इसलिए क्योंकि अगर आपने पहले ही इसे छोटा कर दिया तो ऑयल में फ्राई होने के बाद बालूचाय फूल जाएगी, तो फिर बाद में ये होल दिखेगा नहीं। ऐसे ही हल्के हाथ से मैंने सारी बालूचाय बना के रेडी कर ली है। देखिए मैंने इसका जो ऊपर का लेयर है वो ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाया है, इसके ऊपर आपको कुछ रेशे रेशे धागे धागे से दिख रहे होंगे। हाँ तो बस हमें ऐसा ही चाहिए। बालूशाही को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है। यहाँ पे ऑयल हल्का सा गरम है, ध्यान रखिए ऑयल ज़्यादा गरम ना हो, अगर ऐसा हुआ तो आपकी बालूशाही ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। कोशिश करिए कि सारी बालूशाही एक ही बार में फ्राई हो जाए। अगर आपने ज़्यादा बालूशाही बनाई है, आपको इसे दूसरी बार भी फ्राई करना है, तो दूसरी बार डालने से पहले ऑयल को आप पहले ठंडा कर लीजिए, फिर उसके बाद उसे फ्राई करिए। अभी आपको इसे छूना भी नहीं है, इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं डालना है जब तक ये सारी बालूशाही खुद से उठकर ऊपर नहीं आ जाती। इसे पकने के लिए थोड़ी देर लगती है, तो आपको इसे बहुत ही पेशेंस के साथ फ्राई करना है। 3-4 मिनट के बाद ये धीरे धीरे ऊपर आ रही है। अब मैं इसे चम्मच से एक एक करके पलटा देती हूँ। मैंने इस रेसिपी में 1.5 कप मैदा लिया था, जिससे मेरे 10 से 12 बालूशाही यहाँ पे बने हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी है, मतलब इसे 2 पट बनानी है, तो आप बस सारे चीज़ें मैंने जो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे जो यूज़ किए हैं, आप वो भी 2 पट ले लीजिए। अगर आपको 3 पट बनानी है तो आप 3 पट ले लीजिए। तो बस ये अब मैं इसे दूसरी साइड से भी 2-3 मिनट के लिए पकने दूँगी, जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। दूसरी साइड से भी मैंने इसे 3-4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। मैं इसे निकाल कर अभी जो मैंने शुगर सिरप बनाया था उसमें डाल देती हूँ। ध्यान रखिए सिरप हल्का गर्म होना चाहिए। अगर ये ठंडा हो चुका है तो आप फिर इसे गर्म कर लीजिए, लेकिन ज़्यादा गर्म सिरप में हमें बालूशाही नहीं डालनी है। सिंपली शुगर सिरप हल्का गर्म होना चाहिए और बालूशाही जैसे ही हम ऑयल से निकालेंगे डायरेक्टली सिरप में हम डाल देंगे। 4-5 मिनट के लिए अब मैं इसमें छोड़ दूंगी। थोड़ी देर बाद एक एक करके इसे पलटा देती हूँ ताकि दूसरी साइड से भी सिरप अंदर जा सके। इस साइड से भी मैं इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 3-4 मिनट के बाद अब मैंने इसे निकाल लिया है और पिस्ता से गार्निश कर लिया है। अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। देखते ही पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी है। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी बना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाना ना भूले। इससे मैं जो न्यू वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर।